अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अबाउट द सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इन सेलुलर रेस्पिरेशन एक्चुअली फूड इज ब्रोकन डाउन to release energy energy is being used by the living organisms. इस अमल के दौरान फूड की ऑक्सीडेशन हो रही होती है एक्चुअली। इससे पहले कि हम ये अमल डिटेल से पढ़ना शुरू करें तो लेट अस सी कि जो कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, वो सेल तक किस तरह पहुंचता है। सो फूड इनटेक थ्रू द ओरल कैविटी एंड फाइनली इट एंटर्स इनटू द स्टमक। तो दिस वन इज द स्टमक। एंड सपोज दिस वन इज द लिवर। व्हाट इज दिस? ओवर हियर इज द लिवर। This one is the liver. और यहाँ से जो सर्कुलेशन जा रही होगी ना अप टू द लिवर, दैट इज कॉल्ड एज थ्रू हेपेटिक पोर्टल वेन। तो हम सपोज करते हैं दिस वन इज हेपेटिक पोर्टल वेन। यहाँ से जो डाइजेस्टेड फूड होगा वो अब्जॉर्ब हो रहा होगा दिस वन इज अ हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन अब फूड यहाँ से अब्जॉर्ब हो रहा होगा जो डाइजेस्टेड फूड है। हम यहाँ पे जो फूड की बात करें हम बात करें बेसिकली कार्बोहाइड्रेट की। फूड जो लिया है वो कौन सा लिया? बेसिकली कार्बोहाइड्रेट। तो वो टूटेगा, उससे उसके मोनोसैकेराइड्स बनेंगे लाइक फ्रुक्टोज, लाइक ग्लूकोज, लाइक गैलेक्टोज। तो यहाँ से अब्जॉर्ब हो रहे होंगे कौन कौन से? गैलेक्टोज और ग्लूकोज। और ये लिवर है और लिवर के जो सेल्स हैं उन्हें कहा जा रहा होता है हेपेटोसाइट्स। लिवर सेल्स कॉल्ड एज हेपेटोसाइट्स। यहाँ लिवर के सेल्स हैं। अब लिवर के सेल्स करते क्या हैं? बेसिकली लिवर सेल्स कैन अब्सॉर्ब ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज फ्रॉम द दिस पोर्टल सर्कुलेशन, फ्रॉम दिस पोर्टल सर्कुलेशन। वो यहाँ से अब्जॉर्ब कर लेते हैं इसको। इट मीन जब ब्लड सर्कुलेशन लिवर से बाहर जाएगी उसमें ग्लूकोज का लेवल क्या हो चुका होगा? कम। तो कहने से लिवर बेसिकली प्रिवेंट्स हाइपरग्लाइसीमिया। लिवर प्रिवेंट्स हाइपरग्लाइसीमिया, इट मेंटेन्स ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो इस केस में लिवर क्या काम कर रहा है? दिस वन प्रिवेंट्स हाइपर ग्लाइसीमिया।
अब यहाँ पर यहाँ से वो जो ब्लड है इट विल फाइनली इंट्रोड्यूस द जनरल बॉडी सर्कुलेशन. सो जनरल बॉडी ब्लड सर्कुलेशन जनरल सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी और यहाँ से फाइनली जा रहा होगा इनटू द यहाँ से जाएगा सेल्स तक. पर सेल के दरमियान सेल और जो ब्लड वेसल्स के दरमियान जो फ्लूइड होता है दैट इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड. यहाँ पर सेल है दिस वन इज द सेल ओवर हियर द फ्लूइड इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड. अब यहां से सेल तक जाने के लिए दो प्रोसेस हो सकते हैं. वो सेल में किस तरह दाखिल होगा एक तरीका तो सिंपल यहां पर डिफ्यूजन हो रही होगी यहां पर गेट होंगे ग्लूकोज के. ग्लूकोज सिंपली यहां से मूव कर रही होगी फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन. इस अमल कहा जा रहा था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. डिफ्यूजन इसलिए कहा इट इज ग्लूकोज मूव किया फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन. तो फैसिलिटेटेड इसलिए किया बिकॉज इट हैज यूटिलाइज द फैसिलिटी ऑफ कैरियर प्रोटीन. यहाँ कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व है इसको कहा जा रहा था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. अच्छा समटाइम ये भी पॉसिबिलिटी है कि सेल के पास ग्लूकोज की अमाउंट कम हो इवन देन सेल वॉन्ट ग्लूकोज फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. तो यहाँ जो फ्लूइड है उसको हम क्या कह रहे होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. तो उस रिथल में क्या होगा फर्स्ट कहते हैं यहाँ पर और गेट्स हैं. अब यहाँ कंडीशन क्या आ रही है ग्लूकोज के लेवल सेल में कम है और बाहर ग्लूकोज के लेवल नहीं यहाँ पर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होगा बाहर ग्लूकोज का लेवल कम है. पर सेल को अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरा करने के लिए ना सेल को मज़ीद ग्लूकोज चाहिए तो फिर सेल क्या कर रहा होगा तो यहाँ पर एक्चुअली इन्वॉल्व क्या होगा आयंस इन्वॉल्व होंगे. पर तो यहाँ जो सोडियम आयन है उसकी अमाउंट कम है यहाँ सोडियम अमाउंट उसकी ज़्यादा है. तो यहाँ स्पेशलाइज ट्रांसपोर्टर इन्वॉल्व होता है उसे कहते हैं सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर सोडियम ग्लूकोज पंप. तो यहाँ पर क्या हुआ सोडियम मूव किया फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन. सोडियम की बजाते खुद मूवमेंट कौन सी है पैसिव हाई टू लो. पर सोडियम जब मूव करता है ना आयन उसके साथ साथ वो ग्लूकोज को भी साथ ले जाता है तो ग्लूकोज भी उसके साथ मूव कर रहा होगा इस वे में. पर जो ग्लूकोज की मूवमेंट कहलाएगी वो हो रही है फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन टू दिस वन इज एक्टिव दिस वन इज एक्टिव. पर देखें इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एनर्जी इस्तेमाल नहीं हुई इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. सच अ ट्रांसपोर्ट इन इस जिसमें मूवमेंट लो टू हाई कंसेंट्रेशन हो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाती है. पर ऐसी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी एटीपी की फॉर्म में इस्तेमाल ना हो बल्कि आयन ग्रेडिएंट बन रहा हो उसे हम कह रहे होते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. कौन सी ट्रांसपोर्ट इट मीन्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसकी दो टाइप्स बनेंगी कौन कौन सी एक है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट दूसरी कौन सी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होगी जिसमें एटीपी इस्तेमाल हो रहा होगा
और सेकेंडरी इसमें आयन ग्रेडियंट, केमिकल ग्रेडियंट स्मॉल होगा, नो एटीपी, एटीपी स्मॉल नहीं हो रहा होगा। इसमें मिसाल कौन सी आ जाएगी, जैसे कि ये वाला सोडियम ग्लूकोज पंप, इसका भी आपने पढ़ा हुआ है, कौन से वाला हो सकता है, सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि नर्व पल्स में आपने पढ़ा हुआ है एक्चुअली। अच्छा जी, पर इस ट्रांसपोर्ट को ना हम कोर ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। कोर ट्रांसपोर्ट इसलिए कह रही होती हैं कि इसमें दो चीज़ें एक साथ मूव कर रही होती हैं। तो ये भी एग्जांपल कोर ट्रांसपोर्ट कर कोर ट्रांसपोर्टर की है, और ये भी एग्जांपल कोर ट्रांसपोर्टर की है। अब देखिए फाइनली सेल तक ग्लूकोज पहुंच गया है। इसमें अगर हम बेटा देखें इस पूरे अमल को, तो अभी तक हमने किया क्या है, फूड इनटेक किया यहाँ से, तो फूड थ्रू ओरल कैविटी कहाँ पर गया है, स्टमक में, स्टमक से थ्रू हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन वो लिवर में गया, लिवर ने कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ फ्रुक्टोज ग्लूकोज गैलेक्टोज वो अब्सॉर्ब कर लिए। अब यहाँ से जब दोबारा वापस गया है तो ग्लूकोज का लेवल क्या हो चुका हुआ था, कम, तो लिवर ने क्या किया है, दिस वन प्रिवेंट्स हाइपरग्लाइसीमिया। फिर इसमें एक बात और भी याद रखें, लेट अस सपोज एक इंसान खाना नहीं खाता ड्यूरिंग फास्टिंग, अब फूड इनटेक तो नहीं हो रहा, उस सूरत हाल में फिर लिवर क्या करता है, उसके बाद जो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना जो उसने अब्जॉर्ब किए होते हैं वो उसको तोड़ता है और एनर्जी देता है, मतलब ड्यूरिंग फास्टिंग प्रोसेस। व्हाट शैल इट डू, इट विल रिलीज ग्लूकोज इनटू द ब्लड, इट विल रिलीज ग्लूकोज इन द ब्लड, ताकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रहे और सेल को लगातार एनर्जी मिलती रहे। अच्छा, इसमें एक और बात भी आपने समझनी है कि कौन सी यहाँ से अब्जॉर्ब होती है ना, फ्रुक्टोज ग्लैक्टोज ग्लूकोज, लिवर इन तमाम को कन्वर्ट कर लेता है ग्लूकोज के अंदर, अब्जॉर्ब मुख्तलिफ मोनोसाइट्स करता है पर कन्वर्ट किस में कर रहा होता है, ग्लूकोज में। तो लिवर दो काम कर रहा है, एक तो वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल मेंटेन कर रहा है, दूसरा वो जो अब्जॉर्ब चीज़ें कर रहे हैं ना मुख्य मोनोसाइट्स को, सबको किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, ग्लूकोज के अंदर। अच्छा, फाइनली जाता है बॉडी सर्कुलेशन के अंदर, जो जनरल बॉडी सर्कुलेशन है ब्लड की, वहाँ से वो जाएगा सेल तक, सेल के दरमियान जो फ्लूड आएगा डेट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड। अच्छा, अब यहाँ सेल तक जाने के दो रास्ते हैं, एक तो है फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन लो कंसनट्रेशन थ्रू अ कैरियर ट्रांसपोर्टर कॉल्ड एज सच अ मोमेंट इज कॉल्ड एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। दूसरा कि सेल का ग्लूकोज ऑलरेडी ज़्यादा है पर सेल को और चाहिए, उस रूतल में जाएगा विद द हेल्प ऑफ एन आयन कॉल्ड एज सोडियम थ्रू ट्रांसपोर्टर कॉल्ड एज सोडियम पोटाशियम पंप, इसको हम कह रहे होंगे सोडियम ग्लूकोज पंप, व्हाट इज दिस सोडियम ग्लूकोज पंप, तो दैट इज कॉल्ड एज अ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इसमें एटीपी डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं हुई, तो इसलिए हम कहेंगे इसको सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो अभी तक हमने सेल तक की जर्नी देख ली कि सेल में ग्लूकोज पहुंच गया है, अब सेल में जाते ग्लूकोज के साथ क्या होता है वो हम पढ़ते हैं अब।